और 10 मिनट हो चुके हैं और रेडी हो चुका है हमारा पनीर बटर मसाला। तो इसको हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला, और इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हमारा वीडियो पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से ये मसाला आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, और इसके लिए आपको लगेगा 1 कप दूध। ये जो मसाला है पनीर बटर मसाला, इसको इसमें मिक्स करना है दूध में, और देखिए उसके बाद में आपको लगने वाला है नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, और 2 प्याज ले लिए हमने। प्याज इस तरह से काट ले दोस्तों, देखिए इस तरह से प्याज के स्लाइसेस बना ले। 2 टमाटो लिए हैं, 2 टमाटो हमने अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लिए हैं, और ये 250 ग्राम हमने पनीर लाया है मार्केट से। पनीर को भी इस तरह से स्लाइसेस में काट ले दोस्तों, देखिए इस तरह से काटना है आपको पनीर। ये पनीर बटर मसाला है, ये 1 कप दूध में इस तरह से मिक्स कर ले, और अच्छी तरह से चमचे से इसको मिक्स कर ले। प्याज पे कढ़ाई रख दे और थोड़ा तेल डाल के गरम कर ले। अभी देखिए हम इसमें प्याज डालने वाले हैं, तेल गरम हो चुका है और इसमें अभी हम सब प्याज डालने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्याज इस तरह से ही काटना है आपको, इससे छोटे प्याज नहीं काटने हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, देखिए हमने इसमें 3 से 4 काजू डाले हैं, और ये आ गया लहसुन, लहसुन भी इसमें ऐड कर ले, और आपको ज़्यादा ये पकाना नहीं है, आप फ्राई ही करना है, इतना ही इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। टमाटो को आप ग्राइंड कर ले थोड़ा, प्याज ठंडा होने तक रखना है, इसको गरम गरम ही नहीं करना है। ये भी प्याज और टमाटो हम एक ही बार ग्राइंड करेंगे इसको मिक्सर में। पनीर ऑयल में फ्राई कर ले, देखिए दोस्तों इस तरह से पनीर को फ्राई करना है ऑयल में। और टमाटो हमने ग्राइंड कर लिया था, देखिए इस तरह से हमने मिक्स करके रख लिया है, और ये जो हमने मार्केट से पनीर बटर मसाला लाया था ये दूध में मिक्स करके रख लिया है। आपको 1 प्याज इस तरह से फ्राई करके ही रखना है, बाकी के वो जो हमने ग्राइंड किए थे उसको ग्राइंड कर लेना है। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है, और जो हमने मसाला लाया था जो मिक्स करके रखा था दूध वाला, ये अभी इसमें डाल दिया है हमने, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, और इसके बाद में हम डालेंगे जो मसाले हमने अलग से बनाए थे घर पे ही, जो आपको दिखाए थे वो अभी डाल दिए हैं। देखिए अभी इसकी ग्रेवी बन रही है दोस्तों, ये अभी डाल दिया है हमने टमाटो और प्याज का जो मिक्स करके ग्राइंड करके रखा था, ये भी अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ग्लास पानी ऐड कर दें क्योंकि अच्छी तरह से पक जाए। गैस लो फ्लेम पे ही रखना है, और पानी डालने के बाद आप हाई फ्लेम कर दें। 5 मिनट तक उसको पकने दें, और उसके बाद में इसमें पनीर भी ऐड कर दें जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसको अभी हम 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके ऊपर ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर ले, और अभी हम 10 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और 10 मिनट हो चुके हैं और रेडी हो चुका है हमारा पनीर बटर मसाला, तो इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। रेडी हो चुका है हमारा पनीर बटर मसाला, और देखिए हमने इसके साथ कांदा, नींबू, राइस और एक चपाती दी है। तो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, और टेस्ट करने के लिए हमने बुलाया है रणवीर को। तो रणवीर आज टेस्ट करने वाला है पनीर बटर मसाला। हाँ रणवीर, अभी टेस्ट करके हमें दिखाओ कि इसका टेस्ट कैसा है। रणवीर हमारा पनीर बटर मसाला अभी ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा राइस ले लिया है, और अभी टेस्ट कैसा है रणवीर? टेस्टी है, मस्त। अच्छा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पनीर बटर मसाला।